आज हम लोग देखेंगे कि अपने MPEG-4 HD सेटअप बॉक्स में सी लाइन कैसे एक्टिवेट करें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग मेन्यू खोलेंगे और सभी एग्जिस्टिंग चैनल्स को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम लोग वापस मेन्यू के फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर जाएंगे हम सैटेलाइट लिस्ट में और इसके बाद अपना कर्सर जो है उसको KUNSS6 जो कि हमारी सैटेलाइट है उस पर रखकर रिमोट पर ब्लू बटन प्रेस करेंगे सर्च का। इसमें ध्यान रहेगा कि FTA ओनली को हमने नो करना है। ये करने के बाद हम प्रेस करेंगे इसमें सर्च बटन और ये सभी चैनलों को पहले हम ऐड करेंगे अपने सेटअप बॉक्स में। आप लोग नोटिस करेंगे कि FTA ओनली को हमने नो किया था तो उसकी वजह से हमारे सेट में केवल फ्री टू एयर ही नहीं सभी चैनल इसमें लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये करीब 460 चैनल की एक लिस्ट इसमें ऐड हो गई है। इसके बाद हम अपने सेट में कनेक्ट करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड जो किया है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। वाईफाई सेटिंग पे जाएंगे, स्कैन के लिए ग्रीन बटन दबाएंगे, अपना प्रेफर्ड नेटवर्क पर जाकर क्लिक करेंगे, पासवर्ड में जाएंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड सेव करने के लिए येलो बटन दबाएंगे ओके का, इस विंडो पर जाकर सेव प्रेस करेंगे। जब आपका वाईफाई नेटवर्क बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा तो आपके प्रेफर्ड नेटवर्क के आगे एक टिक का निशान आएगा जैसे कि ये आ गया है इसमें। हाँ, वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने से पहले अपने सेट में वाईफाई डोंगल लगाएंगे। वाईफाई सेटिंग से एग्जिट करेंगे। इस मेन्यू में वापस आकर पासवर्ड एंटर करेंगे अपना। पासवर्ड है 6605। पासवर्ड एंटर करने से इसमें कुछ अलग से ऑप्शन खुल जाएंगे। आप केबल पर क्लिक करेंगे, सी पर क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे ऑन और इसके बाद ग्रीन बटन प्रेस करेंगे जो कि स्क्रीन पे लिखा आ रहा है एक्टिवेट विद कोड। ग्रीन बटन प्रेस करने के बाद रेड बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। एग्जिट करेंगे इससे। ये हमने मेन्यू खोला, आप देख सकते हैं कि इसमें सभी चैनल की पूरी लिस्ट आ रही है। ये हमने स्टार कोड लगा दिया। सारे चैनल एंजॉय कर सकते हैं आप।